सब्सक्राइब कीजिए इंडो राजस्थान एक्सप्लोरर को और बेल आइकॉन को दबाए ताकि आप देख सके हमारी वीडियोस को सबसे पहले। ऐसी मान्यता है कि पहले जो पुराने राक्षस टाइम से लोग जो है कि कहते थे कि मंदिर ये उड़ के जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडो राजस्थान एक्सप्लोर में। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट अशोक कुमार। दर्शकों, कोरोना महामारी के कारण काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफ़ी सारे अपनों को खोने का दर्द के कारण, इस महामारी के कारण हम आपके सामने नहीं आ पाए थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब आपके सामने वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा और आप जो हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार अभिनंदन। दर्शकों, मेवाड़ के अंदर काफ़ी सारे शक्तिपीठ विराजमान हैं जो कि मेवाड़ वासियों की नहीं पूरे देश की श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम जाने वाले हैं एक ऐसा ही स्थान जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर लिकुम गाँव में स्थित माता चंदा का स्थान। यह एक पौराणिक स्थान है और चमत्कार स्थान है जहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दर्शकों, बिना किसी देरी के हम सफर शुरू करते हैं चंदा माता निकुम का। भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते भुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कल्मष मोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसु हमारे साथ भी मौजूद है श्रीमान किशनलाल जी माली जो कि चंदा माता जी के भोपा जी हैं। उनसे हम जानते हैं माता जी के बारे में कि माता जी का स्थान कितना पुराना है और क्या है यहाँ का इतिहास, जानते हैं श्री किशनलाल जी से। चंदा माता का मंदिर काफी पुराना है यहाँ पे और इसकी स्थापना का तो अपने जो पुरखो है उनको भी पता नहीं है। तो पुराना गाँव से क्या हुआ था कि वहाँ जो गाँव का मुखिया था उसने माता जी का पर्चा लिया, तो पर्चा लिया तो उसमें क्या है कि तेल का कड़ा होता है, तेल के कड़े में तेल गर्म करके और चंदा माता जी को परेशान किया उसने कि तेल गर्म तेल में तुमको स्नान करना होगा अगर सच्ची होगी तो चंदा माता ने कहा कि ऐसा मत कर, तुम मेरे से परीक्षा मत ले। तो उसने नहीं माना और कहा नहीं, परीक्षा देनी पड़ेगी तुम्हारे को।
तो फिर माता जी ने वहाँ गर्म तेल में स्नान भी किया और आगे निकल गई और उसको श्राप दे दिया कि भाई आज के बाद तेरा वंश नहीं बढ़ेगा। चंदा माता ऐसे कह के और गांव वाले भी उस मुखिया की तरफ हो गए। माता जी ने कहा कि मैं इस गांव में आज के बाद नहीं रहूंगी। तो वहाँ देवी स्थान आज भी नहीं है, उस गांव में श्राप लगा हुआ है। और माता जी वहाँ से निकल गई और कहा कि मैं आगे जा रही हूँ, यहाँ पर नहीं रहूंगी। तो यहाँ पे जो मंदिर था पुराना निकुम गांव में जैन समाज ने बनाया हुआ था, ऐसी मान्यता है। तो वहाँ क्या मंदिर खाली था और जैन समाज ने स्थापना नहीं की हुई थी, तो वहाँ माता जी रात को आके ऑटोमेटिक मूर्त की स्थापना होगी माता जी की। और फिर निकुम गांव के जनता आश्चर्यचकित होकर देखने को आई और फिर जांच पड़ताल कराई तो फिर वो फिराने वाली बात सामने आई। और इस तरह से यहाँ मान्यता है कि यह चंदा माता काफी पुराना स्थान है ये। और यहाँ के साक्षात मतलब परिचय बहुत जोड़ के एक बार अंदर कितना साल पुराना होगा अंदाज से कम 500-700 साल पुराना, 700 साल से भी अधिक होगा ऐसी मान्यता है। और यहाँ पे मतलब बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, भक्तगण बहुत आते हैं और श्रद्धा भाव से यहाँ से पूजा करते हैं और उनकी मुराद भी पूरी होती है। और ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जिसकी मुराद पूरी नहीं हुई है। मैं खुद यहाँ पे अच्छे से चकित हूँ कि वास्तव में ऐसा चमत्कार है यहाँ पे। माता जी पर्चा कुछ है? माता जी का पर्चा भी है, जैसे हमारे यहाँ गांव ठाकर होता है गाँव में, उसका काफी पुराना चमत्कार है माता श्री का। यहाँ क्या नवरात्रि शारदीय नवरात्रि में दशहरा होता है, माता जी सरोवर जाते हैं और भी देवरत भैरू जी के पोपे भी सरोवर जाते हैं, माता जी भी सरोवर जाती है। तो वहाँ क्या है कि पहले पुराने टाइम में गांव का जो ठाकर था वो मैं, तो उन्होंने कुछ कारण वजह से ग्वालियर स्टेट जेल में बंद थे, कुछ मैटर का कैद किया ऐसा कुछ था। तो शारदीय नवरात्रि आ गई, गाँव के पंच लोग परेशान हो गए कि अब मतलब ठाकुर साहब के बिना नवरात्रि नहीं हो सकती है। तो गांव के सब जने इकट्ठे हुए और माता जी के यहाँ आगे अरदास की कि माता जी अब मेला कैसा होगा तुम्हारा। तो माता जी ने कहा कि तुम गांव वाले चिंता मत करो, मेरा काम है मैं करूंगी और मेला भी होगा और ठाट से मेला होगा। तो फिर गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि ये मतलब पुजारी झूठ बोल रहा है, ठाकुर साहब तो जेल में ग्वालियर जेल में बंद है तो आएंगे कैसे, विश्वास नहीं हुआ। तो फिर जैसे ही नम को रात्रि जगह लगता है तो नम के में रात्रि जगह में बात हुई और माता जी ने कहा कि दसों को तुम्हारा मेला भी होगा और ठाकुर भी आएगा और जो भी होगा मतलब वो सब सर हो जाएगा, सब काम होगा, गांव वाले आप टेंशन मतलब चिंता मत करो। तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि जेल से कैसे आएगा। तो उसमें क्या है फिर माता श्री साक्षात दर्शन दिए ठाकुर साहब को और उन्होंने ग्वालियर जेल से ऑटोमेटिक जेल के ताले टूट गए और ठाकुर साहब ऑटोमेटिक बाहर मतलब गांव के नजदीक ऑटोमेटिक रात को अचानक यहाँ पे आ गए, गांव निकुम आ गए, निकुम के गांव के पास ही मतलब सीमा होती है निकुम गांव की, वहाँ आ गए। तो उन्होंने क्या माता श्री के क्या पहले बलि चढ़ती थी तो ठाकुर साहब के बिना यह काम संभव होता ही नहीं है, बलि वो चढ़ाते हैं। तो ठाकुर साहब ने जैसे ही गांव में आए तो उनके साथ ऑटोमेटिक पाड़ा साथ में हो गया उनके, गांव से बाहर ही जंगल से ही पाड़े की बलि लगाते थे। तो वो पाड़ा ठाकुर साहब के पीछे पीछे और गांव वाले यहाँ इकट्ठे हो रहे थे। और ठाकुर साहब जैसे ही पहाड़ी पर चढ़े और पाड़ा पीछे पीछे तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि ठाकुर साहब ऐसे कैसे आ गए यहाँ पे। तो आए और ठाकुर साहब ने वही बलि भी की और माता श्री आई और बस्ती गांव वालों को बोला कि देखो ठाकुर साहब भी आ गए और तुम्हारा मेला भी हो रहा है, दोनों काम हो गए। मतलब तुम मेरे पे विश्वास रखो, तुम्हारे गांव के साथ कभी बुरा नहीं होने होगा। ये माता श्री का साक्षात चमत्कार है और इससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं इस बात को सुन के। वो एक मंदिर बना हुआ है ऊपर, उसका कुछ जानकारी है, इतिहास है, कितना पुराना है ये मंदिर? काफी पुराना है, माताश्री के मंदिर से भी पुराना है। शिव जी का जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि पहले जो
पुराने राक्षस टाइम से लोग जो है कि कहते थे कि मंदिर ये उड़ के जा रहा था, तो गांव के कुछ जानकार लोग तांत्रिक लोग उन्होंने उस मंदिर को उड़ते हुए को बचा के यहाँ पे स्थापना करा दी। हमारे जो मंदिर ऊपर बना हुआ है सीमेंट शिखर टॉप पे बना हुआ है ये मंदिर, मतलब कहीं उड़ के जा रहा था ऐसी मान्यता है। तो गांव के जो तांत्रिक लोग होते हैं भक्तिभाव वाले, उन्होंने उस तांत्रिक के हिसाब से इस मंदिर को उड़ते हुए के बजा के यहाँ पे स्थापना करी और महादेव जी का स्थापना यह करवाया है। तो दर्शकों बहुत अच्छी जानकारी आदरणीय श्री कृष्णलाल जी जो कि यहाँ के गोपा जी हैं उन्होंने दी है, आपका बहुत बहुत आभार। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें प्रदान की। हम चंदा माता के दर्शन के पश्चात उस मंदिर की ओर बढ़े, जो कहा जाता है कि इस मंदिर को कुछ राक्षसों द्वारा आकाश मार्ग से उड़ाकर ले जाया जा रहा था, लेकिन निकू में कुछ जानकार लोग या सिद्ध पुरुषों द्वारा इस मंदिर को छुड़ाकर चंदा माता के ठीक ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर उस मंदिर को स्थापित किया गया। वह मंदिर ठीक हमारे सामने था, छोटा सा यह मंदिर, वही मंदिर है जो उड़ता हुआ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर अभी काफी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जहां पर भोलेनाथ विराजमान है और पूरे निकुम गांव को जैसे निहारते हुए दिखाई देते हैं। तो दर्शकों हमने दर्शन किए चंदा माता चित्तौड़गढ़ जो कि निकुम के अंदर विराजमान है। माता जी की बड़ी असीम कृपा है सभी लोगों पर और काफी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो लाल कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का उस पर क्लिक करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दर्शकों आपका जो प्यार मिल रहा है हमारे चैनल के प्रति आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे निवेदन है कि यह प्यार हमेशा से ही बना रहे। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।